पृथ्वी को कौन घुमाएगा, किससे घूम रही पृथ्वी, लॉजिक दो कुछ, कहां से घूम रही पृथ्वी, किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है, कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है, हवा का घूम रहा है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है, कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार दिल्ली। ओम अरहम नमः। अरहम ध्यान की इस दिव्य कोविड श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री मुनि एक स्वर प्रणम में सागर जी महाराज की जय। आज हम सामूहिक मंत्र जाप की तरंगों से पैनिक और पीस के बीच में कनेक्शन बनाएंगे और घर बैठे ही पूरे विश्व में शांति और निडरता की मंगल कामना करेंगे। हाथ जोड़े प्रार्थना मुद्रा में, पूरे जगत में शांति हो इस हेतु हम एक मंत्र का जाप करेंगे। तालियों के माध्यम से आप पूरे आनंद के साथ पूरे विश्व में शांति के लिए अपने स्थान पर ही आनंदित होते हुए ये भाव करेंगे, कहीं पर किसी को भी अकाल में मृत्यु न हो, किसी के लिए भी कोरोना वायरस इत्यादि के माध्यम से जीवन समाप्त न हो, सभी जीव स्वस्थ रहें, जगत में आपदा दूर हो, सभी जीवों के अंदर पूरा जीवन जीने के लिए सुख मिले, शक्ति मिले। ओम ह्रीं अरहं असियाउ सा नमः सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं असियाउ सा नमः सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं असियाउ सा नमः सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं असियाउ सा नमः सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं असियाउ सा नमः सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं असियाउ सा नमः सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरहं असियाउ सा नमः सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं असियाउ सा नमः सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं असियाउ सा नमः सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं असियाउ सा नमः सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं असियाउ सा नमः सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं असियाउ सा नमः सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिम ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिम ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिम कुरु कुरु अपने आप को इसी मंत्र में बिल्कुल लीन करेंगे और जगत में यह भावना रखते हुए कि संसार का हर प्राणी सुखी हो इस मंत्र को बिल्कुल लीनता के साथ ध्यान के साथ पढ़ेंगे ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हम असिया उषा नमः
सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरमसियौ स नमः सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरमसियौ स नमः सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरमसियौ स नमः सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरमसियौ स नमः सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरमसियौ स नमः सर्व रोग शांतिं ओम ह्रीं अरमसियौ स नमः सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरमसियौ स नमः सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरमसियौ स नमः सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरमसियौ स नमः सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरमसियौ स नमः सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरमसियौ स नमः सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरमसियौ स नमः सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरमसियौ स नमः सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरमसियौ स नमः सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरमसियौ स नमः सर्व रोग शांतिं ओम ह्रीं अरमसियौ स नमः 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 सर्व रोग शांतिं ओम ह्रीं अरमसियौ स नमः ओम ह्रीं अरमसियौ स नमः सर्व रोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरमसियौ ओम ह्रीं अरमसियौ स नमः 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 ओम ह्रीं अरमसियौ स नमः
ओम ह्रीं अरहमस्याउ स नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहमस्याउ स नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहमस्याउ स नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहमस्याउ स नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहमस्याउ स नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहमस्याउ स नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा। अपनी दोनों हथेलियां घिसेंगे, आँखों पर रखेंगे, धीरे धीरे पूरे शरीर पर अपनी हथेलियों को टच करेंगे। आपके हाथ ऊर्जा से भरे हुए हैं। जो भी भावना करेंगे अपने हित के लिए, दूसरों के हित के लिए, वह भावना इस मंत्र के साथ करें। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। सामने देखें, बोले शांतिनाथ भगवान की। सामूहिक पाप कर्म के उदय में सामूहिक आराधना अनंत गुना फलदायी होती है। सभी आनंदित होते हुए जब तालियों की गूंज से मंत्र जाप करते हैं तो संपूर्ण वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और भय और रोगों को परास्त करने का एक सशक्त माध्यम बनता है। तो आइए हम भी इस विश्व कल्याण के कार्य में भागीदार बनते हैं। आज के इस महामारी के दौर में जहां चारों ओर अनिश्चितता का माहौल है, वहां हमारे मन में भी अनेकों प्रश्न उठते हैं जो ना तो हम किसी से पूछ पाते हैं और ना ही उनका कोई उत्तर मिल पाता है। कल के सत्र में ध्यान के माध्यम से हम एक नवीन प्रक्रिया सीखेंगे। तब तक के लिए ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार दिल्ली। पृथ्वी को कौन घुमाएगा, किससे घूम रही पृथ्वी? लॉजिक दो कुछ। कहां से घूम रही पृथ्वी, किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है, कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है? हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है, कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा?